नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। किस प्रकार से आप घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट का आवेदन कर सकते हैं और बहुत आसान से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट की कई जगह आवश्यकता लगती है, मैंडेटरी ऑप्शंस हैं, और इसके लिए पहले मैनुअल तरीके से फॉर्म अप्लाई होते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है कि ऑनलाइन ये हो गया है और बहुत सारे को इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक प्रोवाइड करने का, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। ख़ास तौर पर ये वीडियो हम एमपी स्टेट के अंतर्गत निवास करने वाले और ख़ास तौर पर उनमें भी अर्बन लोगों के लिए है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसमें क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे? तो प्रोसेस में तो हम देखते हैं कि इसकी ऑनलाइन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन की यदि हम बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक प्रिंट हम लेके आए हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं उसका हम पूरा डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो शपथ पत्र है, संयुक्त शपथ पत्र दोनों का, पति और पत्नी दोनों का संयुक्त आपको एफिडेविट बनवाना है और उसको नोटराइज करवाना है। इसके साथ ही साथ दोनों के जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें खासतौर पर यदि 10th की मार्कशीट हो या और कोई अन्य डॉक्यूमेंट जो आपके डेट ऑफ बर्थ या जन्म प्रमाण पत्र हो, तो जन्म का प्रारूप दोनों ही हैं, जन्म प्रमाण पत्र या अंक सूची दोनों में से कोई एक, और ये दोनों के चाहिए। इसके साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड के साथ में आपका राशन कार्ड हो या पैन कार्ड हो। इसके साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, तो इनमें से कोई दो, तो आधार कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में उसके मार्क, उसके नंबर जो है कि आधार कार्ड के नंबर सबमिट होते हैं। इसके बाद फोटो, यहाँ पर नग शब्द लिखा है, यानी क्वांटिटी है, कितने फ़ोटो चाहिए। तो 3 छोटे पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिए और एक बड़ा फ़ोटो चाहिए, पोस्ट कार्ड आकार का, यानी 4x6 साइज़ का फ़ोटो। विवाह पत्रिका दोनों पक्षों की नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी यदि है तो आप इसको जमा करें। ये जो प्रिंट हम ले रहे हैं ये डॉक्यूमेंट की, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नगर पालिका कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय जो नगर पालिका के अंतर्गत हैं, वहाँ पर जमा होंगे। तो हम वहाँ से फ़ोटो कलेक्ट करके लेके आए हैं, वहाँ पर हम गए हैं ऑफिस में ऑनलाइन करने के बाद, तब हमें ये सारा डेटा वहाँ से दिया गया कि ये भी लगेंगे, जबकि ऑनलाइन में कुछ इसमें से डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कम हैं। फिर भी आप ये लेके जाएं तो आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से एक बार में आप वहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद है शादी स्थल का प्रमाणीकरण, यदि है तो कोर्ट का आदेश हो, हालांकि यहाँ पर जो प्रमाणीकरण है वो संयुक्त शपथ पत्र लगा चुके हैं, पर फिर भी इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन लेके आएँ, एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लेके जाएँ, तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इसके बाद माता पिता वर वधु के, उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड में कोई एक, ये दो लिखा लेकिन एक से काम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ गवाह की डिटेल लगेगी, कोई दो गवाह इसमें चाहेंगे जो भी शादी के समय उपस्थित हैं। पुनर्वाह विवाह की स्थिति में या पूर्व पति अथवा का उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या जो है कि तलाक का जो प्रमाणिक पत्र होता है वो यहाँ पर लगेगा। ये आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मैनुअल पैटर्न में जो फॉर्म आप ऑनलाइन प्रिंट फिल करेंगे उसके साथ में संलग्न करके देना है, यानी जो आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट आप संलग्न करके दे दें। अब हम देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन में भी ये डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे, तो वो हमें पहले कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन कैसे करें उसके लिए हम आगे देखते हैं। इसके लिए आपको साइट जाना होगा, आपको इसके लिए mpenagarpalika.gov.in पोर्टल पर जाना है, और यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन भी दे रखा है, बर्थ रजिस्ट्रेशन भी दे रखा है, डेथ रजिस्ट्रेशन दे रखा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन।
तो बर्थ और इनका भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक है टू अप्लाई को क्लिक करना है, जिससे यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। चलिए आगे, जैसे ही आया तो यहाँ पर यह सबसे पहले सिटी पूछ रहा है, तो आप अपनी सिटी को यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे हम सुजालपुर नगर पालिका सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू को जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही फॉर्म ओपन होता है तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, जिसमें कुछ ऑप्शन मैंडेटरी दे रखे हैं, जैसे डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। मैरिज का डेट आपको डालना है, जो भी इसका डेट हो। इसके बाद आपका वार्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पिन कोड नंबर, मैरिज किस धर्म के अंतर्गत आता है वो सिलेक्ट करना होगा। उसका पता क्या है वो आपको पूरा फिल करना है, अभी मैं सिर्फ सुजालपुर डाल रहा हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो भी नंबर आप डालें, जो भी नंबर आपके होंगे वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और इसके बाद आगे जाना है, जिसमें वर का नाम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वर की माँ का नाम डालना है। ये इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, जिसमें जहाँ पर स्टार लगे हुए हैं ये सारे ऑप्शन मैंडेटरी हैं। इसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंडेटरी ऑप्शन है, स्टार लगे हुए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने होंगे। ये पूरा दे रखा है, वर का फ़ोटो, वधु का फ़ोटो, विवाह की पर वधु की फ़ोटो, है ना। तो तीन फ़ोटो यहाँ पर मांगे, लेकिन एक कंपलसरी है। और डॉक्यूमेंट प्रूफ, आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे लगाना होगा। विवाह का निमंत्रण पत्र पते के साथ, ये मैंडेटरी नहीं है, बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन कोई एक प्रूफ आपके पास इसमें से हो। वधू का शपथ पत्र यहाँ पे लगेगा, लेकिन इसमें पंजीकरण के 20 से अधिक दिन हो गया है इसके पहले की शादी, तब ये लगेगा, है ना। ये प्रमाणीकरण यहाँ पर है। इस प्रकार से आपको फॉर्म को कंप्लीट सारे डॉक्यूमेंटेज करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ पर क्या क्या आपने लगाया है वो आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। ये करने के बाद जो है कि लास्ट में एक प्रिंट आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो उस प्रिंट के साथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं उनको लेकर के आपको अपनी नगर पालिका में जाना है। नगर पालिका के अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय में ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। क्या कर रहे हो काल में? हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और नए वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं तो